फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल ठीक लिया, एक एमपी क्या होता है और एक एमएलए क्या होता है। मुझको मालूम है लोकसभा इलेक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ, लोगों ने अपने अपने एमपी चुने हैं अपने अपने शहरों में। एमपी होता क्या है और एमएलए क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये है इस वीडियो का टॉपिक, ये मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। तो दोस्तों एमपी और एमएलए में अच्छा खासा फ़र्क होता है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि नेशनल लेवल का बंदा होता है। इसको लोकसभा इलेक्शन में चुना जाता है वोटिंग के जरिए। अभी अभी 2019 लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, जिसमें 542 या 543 सीटें थीं, यानी कि इतने एमपीज़ को लोगों ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग करके चुना है। जैसे कि दिल्ली में जहाँ के मैं रहता हूँ, वहाँ पे 7 एमपी की सीट्स थी, 7 लोगों ने चुनाव लड़े, 7ों के साथ वो बीजेपी जीती है, तो यहाँ पे 7 एमपी चुने गए हैं दिल्ली में। इसके विपरीत जो एमएलए होता है, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको चुना जाता है स्टेट लेवल पे। यानी कि जैसे कि दिल्ली में स्टेट लेवल के जब चुनाव होंगे, शायद 2020 में होंगे, तो वो जो चुनाव लड़े जाएंगे उसमें एमपी नहीं एमएलए चुने जाएंगे। तो उसमें जो दिल्ली में इलेक्शन होंगे उसमें लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए चुनेंगे। तो एमएलए एमपी के विपरीत स्टेट लेवल का बंदा होता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एमपी एमएलए भी हो सकता है, या क्या कोई एमएलए एमपी भी हो सकता है, यानी कि एक ही आदमी दोनों हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, कोई एक ही आदमी दोनों पोस्ट को नहीं संभाल सकता है, दो नाव पे एक साथ पैर नहीं रख सकता है। अगर आप एग्जिस्टिंग एमपी हो, एमएलए बनना चाहते हो और चुनाव में जीत गए हो, तो आपको कोई ना कोई एक पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए आपके पास 14 दिन होते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना होता है कि आप कौन सी पोस्ट को वेकेट कर रहे हो और अपना रिज़ाइन करना होता है उस पोस्ट से। अगर आप नहीं करते हो तो आपका पार्लियामेंट्री जो सीट होती है, जो एमपी की जो सीट होती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी छिन जाती है आपसे, अगर आप खुद रिज़ाइन नहीं करते हो। ऐसा हालांकि कमी होता है, लोग 14 दिन में से एक पोजीशन चूज़ कर लेते हैं, उनको कौन सी को कंटिन्यू करना है और कौन सी को रिज़ाइन करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एमपी और एमएलए के फ़र्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस तरीके के क्यों क्या कैसे वाले वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।